भाई, भाई अपना नाम बताओ शीष राम और गांव कौन सा होगा नागौड़ी पास में है जिला अलवर राजस्थान में जी जी तो बकरी पालन कब से कर रहे हैं जी आप जी मेरे को डेढ़ साल होगी अच्छा डेढ़ साल हो गए उससे पहले क्या काम करते थे आर्मी में था बीस साल रिटायर करने के बाद में ये जॉब कर अच्छा, पहले आर्मी में जॉब करते थे रिटायरमेंट के बाद में आपने बकरी पालन चुना जी और वो भी जखराना नस्ल की बकरी पालन हाँ बिल्कुल जखराना नस्ल तो क्या कारण रहा कि आपने बकरी पालन चुना ये ऐसा था एक तो दिनचर्या बनी रहे हाँ जी एक बकरियों का दूध है जैसे प्लेट डाउन हो जाती है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हाँ हाँ और बतरेट है इनके इनकम भी कुछ हो जाती है हाँ हा। और सबसे बड़ा काम है आप देखो ग्यारह बजे है ग्यारह बजे से चार बजे तक का काम है बाकी फिर अपने लोकल काम करो खेती बाड़ी करो कुछ भी करो बच्चे के पढ़ाओ या कुछ भी काम जो भी करना है हैं पांच घंटे की ड्यूटी है जी और जैसे कंपनी में जाए तो पंद्रह हजार रूपए बारह चौदह घंटे लगते है वहाँ और हमारे तो यहाँ जंगल है थोड़ा बहुत अपने अनाज डाल देते चारा रख देते जी इसलिए दूध का दूध हो जाता है और दिनचर्या बनी रहे और किम दो पैसे का काम भी निकल जाता है अच्छा अच्छी इनकम वाला धंधा है ये जी एक तो, दिनचर्या सबसे बड़ी चीज है बाजरा हाँ, हाँ, तो हो, तो होता है, है हाँ, हाँ, बाजरे हाँ, को राध के वो राबड़ी पिला देते हैं फिर तो जंगल खुल जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं होती अच्छा जंगलात की जमीन है आपके पास इधर जंगलात भी है वैसे खुला भी पहाड़ है पहाड़ पे भी ले जाते हैं पहाड़ पे भी ले जाते तो सर्दी में तो ज्यादातर लोग घर पे ही चराते हैं नहीं हमारे है थोड़ा बहुत इनको घुमाना जरूरी है अच्छा ये नस्ल ऐसी बिना घूमे रुकेगी नहीं मतलब एक जगह पे रखेंगे तो उसका नहीं क्या है? है ना जो इसका बाड़ा होता है हाँ। बाड़े के अंदर जैसे मिंगन हो जाएंगे पेशाव ज्यादा हो जाएंगे उसमें पिस हो जाएंगे चिचड़े हो जाएंगे तो वो साफ हो जाएगा अब थोड़ी देर के तो अनाज में क्या क्या खिलाते हैं इनको इनको गेहूँ दलिया बाजरे का दलिया है राबड़ी जैसे रान देते हैं वो बस और अच्छा। कुछ नहीं तो उबाल के देते हो या सूखा देते हो नहीं कोई सूखा भी दे दे कोई उबाल के भी दे दो एक ही बात है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अच्छा तो ब्रीडर है उसका क्या कुछ खास ध्यान रखते हो अलग से कोई ब्रीडर का जैसे वगरा? बकरियों को प्रगनेक्ट करता है, है। प्रेग्नेंट करने लगता है ना तो उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है अच्छा इनका जैसे बकरियों का दूध एक एक गिलास दे दो मतलब ढाई सौ ग्राम या जितनी वो आपके पास है वो दे दो मेथी के दाने बस उसको अलग से थोड़ा सी डाइट चाहिए तो अभी आपके पास कितनी बकरियां हैं अब ब्रेडर समेत मेरे पास तेरह है तेरा है जी। और कैसी कुछ इनकम है इनमें इनमें जी जैसे चार पाँच हजार रूपए मंथली हो जाता है बारह बकरियों में और दूध पी लेते हैं जो इनका दूध निकाल लेते हैं दो पाँच लीटर छह लीटर हाँ हा। जैसे अगर फैट पे देना चाहे हाँ हा। तो पैंतीस से चालीस रूपए लीटर जाता है अच्छा। प्लेट डाउन की इमरजेंसी जिसको होगी तो वो सौ रूपये भी ले कोई इमरजेंसी के लिए उसका कोई हिसाब नहीं होता जैसे प्लेट डाउन हो जाती है तो सब दूध लेते हैं बकरियों का सौ रुपए भी मिले जब आप किसी के पास नहीं मिलेगा तो एमरजेंसी में वो सो लो ढाई तो सौ भी लो जब जिसके पास है ही नहीं तो, तो आपके गांव में काफी बकरियां हैं जी कितनी होंगी बकरियां लगभग लग हमारे गांव में होंगी साढ़े तीन सौ के आसपास साढ़े तीन सौ के आसपास बकरियां हाँ वो अलग अलग नस्ल नसल जिसमे तोतापुरी भी है और सफेद वाली भी है और ये अपने जखराना नस्ल भी है अच्छा अच्छा ये बात होती है तो जैसे कि आप फौज से रिटायर आके बकरी चराने लगे तो गांव वालों ने कहा होगा अरे फौज जी होकर बकरिया चरा रहा है खूब बोलते हैं हाँ हाँ। दुनिया बोलती है हाँ। और भी बहुत काम थे करने के लिए खूब खूब है काम लेकिन जिसको जो जो धंधा लगता है अच्छा धंधा लगता है हाँ हाँ। सेलेक्ट करता है वो उसकी पसंद होती है हाँ हाँ मैं तो अपनी दिनचर्या के लिए और अपने दूध पीने के लिए क्योंकि इसका दूध आयुर्वेदिक दूध होता है अच्छा तो ये आपका ब्रीडर है जी कितने दांत है छह दांत छह दांत है जी तो कब से है आपके पास ये मेरे पास लगभग छह महीने अच्छा रुक रुक ब्रीडर कितने दिन में बदल लेते हो आप नहीं ये बदलना कोई जरूरी नहीं है की हर साल बदलो हाँ हाँ जैसे बिक जाए तो बदले नया बच्चा तैयार हो जाता तो उसको छोड़ लेते अच्छा नहीं जैसे ऐसा होता ना जैसे कि एक बकरी को क्रॉस किया इसने उसकी फिर बच्ची तैयार हो गई एक साल बाद में उनको भी यही क्रॉस करेगा तो इन ब्रीडिंग हो गई फिर एक, एक एक इसमें होता है सिस्टम हां जिस मां का बच्चा है ना उसको हाँ, ये कभी नहीं क्रॉस करेगा इसको क्या पता बकरे को नहीं ये सबको पता है अपनी मां को जिसकी बच्ची हुई ना उसको कभी क्रॉस नहीं, नहीं, नहीं करेगा अच्छा अपनी बहन को क्रॉस नहीं करेगा इनको भी नहीं करेगा मां को भी क्रॉस नहीं करेगा अच्छा हां ये इनमें हैबिट होती है ये चीज अच्छा तो उसके लिए फिर आप कोई और ब्रीड ले ब्रिड लेना है फिर आपस में जैसे और नहीं है बकरी वाले हाँ हाँ। तो उनका बच्चा ले आना पड़ता है अच्छा 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 कराने के लिए अच्छा, अच्छा। ये सिस्टम होता है तो इनके कान काटे हुए इसके बारे में ना काफी लोग है अलग अलग बात बताते हैं तो क्या कारण होता है कि जखराना नस्ल की बकरियों के कान काटते हैं और किसी भी नस्ल के बकरियों के कान नहीं काटते इनकी मैं बताऊं सर जी सबसे बड़ी चीज ये है इनके एक तो कान लंबे होते हैं और फिर ये जैसे इनको बारिश होती है ना एक आवाज जैसे पहाड़ में हमने छोड़ दिया इनको अब कान सीधे रहेंगे तो इनको जैसे आवाज मारते हैं हाँ। जो भी निक नेम होता है हाँ। आवाज के साथ इनको सुन जाता है अच्छा जिस दिशा में हम बोलते हैं उस दिशा में आ जाती है अच्छा दूसरा कारण ये है अगर जैसे बारिश होगी तो इनके कान में पानी नहीं जाएगा अच्छा ये सिस्टम होता है अच्छा अच्छा अब जैसे कोई बकरी बैठी है तो जैसे आवाज मारते हाई वो जो भी ग्वाड़ का वो होता है वो सिस्टम इससे सुन जाता है अच्छा तो बच्चे वगैरह कब सेल करते हो आप कितनी उम्र के बच्चे सेल करते हो हम डेढ़ महीने का भी दो महीने का लास्ट सेल करते हैं हाँ। इतना ही बड़ा रखते हो इससे बड़ा नहीं करते हो नहीं जैसे बेचना है उसको अच्छा मतलब डेढ़ दो महीने हाँ, उसमें क्या होता है जैसे ज्यादा होगा ना तो आगे की प्रेगनेंट नहीं होती है अच्छा ज्यादा दूध पिएगा तो प्रेगनेट नहीं होगी अच्छा बच्चा जब तक माँ के साथ रहेगा इतने प्रेगनेट होने की संभावना कम होती है इसीलिए आप जल्दी बेच देते हैं जल्दी बेचते हैं वो, वो चार हजार का तीन हजार का सैतीस सौ का ऐसे बिक जाता अच्छा, दूध काम आ जाता है इस नस्ल के बच्चे ईद पे बिकते हैं खूब बहुत ज्यादा जैसे काला रंग होने की वजह से कोई मना तो नहीं है इसमें ईद ईद की एक समस्या है अगर किसी का कान कटा है ना उसका थोड़ा सा रेट डाउन मिलेगा अच्छा कटा हुआ नहीं होना चाहिए कटा हुआ नहीं होना चाहिए कटा हुआ नहीं होना क्योंकि अपने खान भाई है ना हाँ, जो भी कोई चीज को कटिंग होती है ना उसको पसंद नहीं करते अच्छा अच्छा तो अभी आप खाना वगैरह खा के हाँ, खाना खा के और अब दोस्तों के साथ में रहोगे हाँ, यहाँ पर बकरी चराने वाले और भी बहुत सारे आ रहे आगे खूब मिलेंगे और फिर शाम तक अपने मस्ती करोगे गपशप करोगे नहीं घूमते रहेंगे इधर हाँ, उधर वैसे अपने पानी पियेंगे बीडी पी ली जो भी खाना चाय चुए कहीं मिल गया तो कुआ का वहाँ पी लिए मंदिर है हमारे यहाँ पहाड़ के पीछे तो महाराज का जैसे चाय पानी हम लिया जाते हैं चाय बना लेते हैं। है गैस की सब कुछ। अच्छा। चाय पी लेंगे और हाँ। फिर चार, चार है बकरी चराते हो तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है वो मंदिर अलग है और हाँ। उसकी बैठने की व्यवस्था अलग है अच्छा हाँ। अपना चूल्हा नहीं होता इन्दर से उस पे चाय बनाओ और पीओ अच्छा अच्छा ऐसी बात मतलब बढ़िया धंधा है बढ़िया टाइम कट रहा है हाँ बिल्कुल अच्छा टाइम पास हो जाता है लॉकडाउन के टाइम पे बहुत युवा आए और उन्होंने बकरी फार्म किया और जल्दी ही बंद हो गया तो आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे किस तरह से सर, बकरी पालन करना चाहिए इसमें रीजन ये है हाँ। कि इसके अंदर थोड़ा सा एक बू बदबू आती है इस धंधे में और युवा लगाता है डी ओ मानते हो ना वो लगाता है डी अब वो कहीं मान लो अपने ससुराल भी गया तो उसमें थोड़ी सी खुशबू आती, हाँ। आती है मैल स्माइल आती है तो वो बच्चे आजकल इसलिए इसको सेलेक्ट नहीं कर पाते हुँ हु। फिर इसके अंदर थोड़ा सा हार्ड भी काम है आगे आगे गर्मी आएंगी हाँ। तो गर्मी में आसान नहीं होता ये काम अच्छा क्यों लो चलेंगी गर्मी लगेगी अब बच्चे बच्चे आजकल रहते पंखे की हवा में तो उनका काम ये सेलेक्ट नहीं हो पाता है ये जो मेहनत करने वाला है उसके लिए ही सेलेक्ट है युवा युवा जनरेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है तो इनमें काफी बीमारियां भी आती है तो क्या आप, आपने वैक्सीन वगैरह करा रखी है वैक्सीन करा वा? लेते हैं जैसे हमारा डॉक्टर है सरकारी डॉक्टर हाँ, तो हमें पहले ही सलाह दे देता है हाँ, ये ऐसे ऐसे रोग चल रहे हैं या टीकाकरण गवर्नमेंट की तरफ से होता है ये भी हाँ, हाँ, भाई ये वैक्सीन कब लगनी है हुँ, हुँ, तो आपने गवर्नमेंट ही सरकारी डॉक्टर आता है दो रूपये पांच रूपए लेता है एक इस पे बकरी पर अच्छा तो उसके अनुसार आपने टीकाकरण हो जाता है तो कोई गांव में रहने वाला युवा है जैसे कि गाय भैंस रखते हैं तो उसी तरह का इनका भी रख रखाव है या फिर कोई अलग है कोई ट्रेनिंग नहीं, देने की नहीं, नहीं, इनका कुछ नहीं इनको जी कुछ तो स्पेशल देने की जरूरत नहीं अपने हाँ। दाना रख दो सुखा जो भी बाजरा है गेहूं है वो रख दो और हाँ। जैसे सर्दी होती है तो उसके अंदर जैसे दलिया दर्द रहते है बाजरा का हाँ। उसको राध कर वो रख दो जैसे कहते हैं की बकरी पालन से पहले ट्रेनिंग लेना जरूरी है कुछ ऐसा है ऐसा है बिल्कुल देखो किसी हाँ। की तो सलाह जरूरी पता तो होना चाहिए अब किसी के पेट में हाँ। दर्द हो जाता है हाँ। कुछ तो अनुभव होना चाहिए आदमी को कोई भी धंधा हो हाँ हाँ। अब किसान बनेंगे तो पानी फवारा नहीं लगाना है तो कहाँ से पानी दे दे, दे। हाँ हाँ। मानते हो ना अच्छा यानी कि थोड़ा बहुत अनुभव अनुभव जरूरी है इस चीज में अच्छा अच्छा ठीक है और कुछ बताना चाहोगे हमारे युवा जो बेरोजगार है देखो मैं तो ये कहूंगा बेरोजगार है उनको पहले अनुभव लेना चाहिए किसी के साथ रहना चाहिए और फिर वो कर्मशील है कि उसको सेलेक्ट लगे ये धंधा तो मैं तो ये कहूंगा डन है सबसे बढ़िया काम है जी जी ठीक है ना मेहनत जरूरी है देखो हर धंधे में मेहनत चाहिए इसके लिए बहुत बढ़िया है मैं तो कहूंगा जो मेहनत ले दो एक महीना तीन महीना ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं नौ दस महीने की दो तीन महीने अपने ट्रेनिंग किसी के साथ रह लो घूम लो एक घंटा घूमो दो घंटा घूमो ये जरूरी है पूरे दिन घूमो पता चल जाएगा अच्छा छोटी बच्ची से शुरुआत करनी चाहिए फार्म की या बड़ी बकरी ला शुरुआत करनी चाहिए नहीं देखो जी इसमें मैं करूँगा मेरी राय है इसमें जैसे पांच रखते हैं ना हाँ, हाँ, तो तीन तो बकरी बड़ी होनी चाहिए दो छोटी होनी चाहिए अच्छा, तो बड़ी छोटियों का ज्ञान देती रहती मानते हो कि नहीं जी जी ये आप छोटी छोटी रखोगे वो काम नहीं चलेगा अच्छा इसके अंदर दो बड़ी ले आओ तीन ले तीन बड़ी ले आओ दो छोटी ले छोटा धंधा बता दो पांच से स्टार जितने मतलब पच्चीस परसेंट छोटी रखो और पिछहत्तर परसेंट बड़ी रखो अच्छा उस उसके अंदर दूध भी होता रहेगा और ये बच्चे भी पैदा होते रहे अच्छा अगर कोई आदमी पांच छह लाख रुपए कमाना चाहे बकरी पालन से तो कितनी बड़ी बकरिया रखनी चाहिए उसके हिसाब से पांच छः वार्षिक हाँ साल के पाँच छः लाख रुपए कमाना चाहे तो लगभग कितनी बड़ी बकरियां हो तो वो इतनी कमाई उसके कर सकते पास लगभग चालीस बकरी होनी चाहिए अच्छा दो ब्रीडर होनी चाहिए अच्छा दो ब्रीडर होंगे ना उसके अंदर कोई भी बकरी ऐसे नहीं रहेगी वो लगातार मतलब कंटिन्यू आप समय से प्रेगनेंट होती रहेगी पचानवे इक्कीस सैतीस जीरो नौ सौ चार तो आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है हमारे विवर्स को इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी थैंक यू सर